ओके सो अब आते हैं ये चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ उस पर और जानते हैं कि ओम्स ने क्या कहा था, पहले उस बात को समझते हैं। तो ओम्स ने कहा कि मान लेते हैं ये एक मेटालिक कंडक्टर है। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और तब ये कंक्लूजन पहुंचे। तो उनके हिसाब से उन्होंने माना कि ये एक मेटालिक कंडक्टर है। अब ये मेटालिक कंडक्टर में जो करंट बहेगा, जो करंट फ्लो होगा, वो करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो ये हम सब जानते हैं, वो तो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। ये आप सेल लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, बराबर, या आप एसी करंट जो घर में यूज हो रहा है करंट, उस करंट के स्विच बॉक्स जो है उसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये सब डिपेंड करेगा कि वायर से कितना करंट बहेगा, कि सोर्स ऑफ पीडी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स बड़ा रहा तो जो करंट बहेगा वो ज्यादा होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स स्मॉल रहा तो जो करंट फ्लो करेगा वो कम होगा। तो ओम्स ने कहा द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। बराबर है, द अमाउंट ऑफ करंट विच इज गोइंग टू फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ दिस कंडक्टर। फिर उन्होंने इस चीज को कुछ एड ऑन किया, बोला एज लॉन्ग एज, ये कब तक होगा? तो जब तक कंडक्टर का आप लेंथ चेंज नहीं कर रहे हो, सेम रख रहे हो, जब तक उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना मोटा है वो सेम रख रहे हो, टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर है, और मटीरियल सिल्वर है, अपना व्हाट वी कॉल एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये मटीरियल चेंज, इफ यू नॉट चेंजिंग एनी ऑफ दीज फोर कंडीशन देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन, चार कंडीशन, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, मटीरियल, इन चारों में से कोई भी कंडीशन आपने चेंज किया तो ये प्रोपोर्शनैलिटी शिफ्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो बरकरार रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये दो वायर में मान लेता हूं, ये सिल्वर का वायर है, लेंथ 1 मीटर है, ये भी सिल्वर का वायर है, लेंथ 1 मीटर है, इसका क्रॉस सेक्शन 1 mm है, इसका भी क्रॉस सेक्शन 1 mm है, टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ वो 20 डिग्री और 20 डिग्री है, बराबर, मटेरियल तो सिल्वर है तो सेम हो गया। अब मैंने इसको कनेक्ट किया सर्किट में, इस वायर को मैंने कनेक्ट किया सर्किट में, और सर्किट में कनेक्ट करने के बाद मैंने जो सेल यूज किया उसे, चलो एक 3 वोल्ट का मैंने सेल यूज किया, तो इसके थ्रू से क्या बहेगा, करंट बहेगा, वो मैंने करंट को नोट डाउन किया एज एक्स। अब मैं इस वायर को हटा के इस वायर को रिप्लेस करता हूं, वहां पर बाकी सारी कंडीशन सेम है, ये वायर भी वही था, उतना ही लेंथ है, उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वही टेम्परेचर है, वही मटीरियल है, तो अब कितना करंट बहेगा जब इस वायर को मैं कनेक्ट करूंगा, तो वो भी करंट एक्स ही होगा। अगर मैंने वायर को चेंज कर दिया, मान लो ये लेंथ दोनों का सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, टेम्परेचर सेम है, मटीरियल अलग हो गया, ये सिल्वर का, ये एल्यूमिनियम का, तो अब जब मैं एल्यूमिनियम वाला उस जगह पर रखूंगा और 3 वोल्ट का जो सेल है अपना, उसके थ्रू जब करंट पास होगा इस वायर के थ्रू, तो वो करंट का वैल्यू अब एक्स नहीं रहेगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्या चेंज हो गया, इसका मटीरियल चेंज हो गया। तो इन चारों कंडीशन में से अगर कोई कंडीशन चेंज नहीं होता है, कोई कंडीशन चेंज नहीं होता है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, यही बात ओम्स ने कहा। बराबर, अब आते हैं बात पर। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, लास्ट टाइम हमने डेल्टा वी से कहा था, पर वो चेंज इन वी, चेंज इन पोटेंशियल, बाद में एक वैल्यू पोटेंशियल ही आता उसका, तो कंफ्यूजन हटाने के लिए हम उसको वी से डिनोट करेंगे। करंट हम जानते हैं ऑलरेडी आई से, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बराबर, हमने मैथ्स में देखा है जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है तो हम एक कॉन्स्टेंट लेके आते हैं। नाइन्थ में हमने जब हम फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, बराबर, तो एट दैट टाइम व्हाइल डिराइविंग द फॉर्मूला फॉर फोर्स, के इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू के एम ए, तो के का वैल्यू बाद में 1 आया था, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, बाद में के एम ए, तो वो प्रोपोर्शनलिटी जब भी होता है तो एक कॉन्स्टेंट आता है। बराबर,
प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, तो यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हटाना है, इक्वालिटी लाना है, तो हमें एक कॉन्स्टेंट देना पड़ेगा और वो कॉन्स्टेंट कौन है, आर, वेयर आर इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, बराबर है। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं ओम्स लॉ, बराबर, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसे बहुत अच्छे से याद रखना, इसे याद रखने के लिए ऐसे बोल सकता हूं, वी इज इक्वल टू एयर, वी इज इक्वल टू एयर, आई इज करंट, आर इज रेजिस्टेंस। इसी चीज को हम ऐसे भी ले सकते हैं, वी अपॉन आई इक्वल्स टू आर, वी अपॉन आई इज कॉन्स्टेंट, बराबर, इस चीज को हम ऐसे ले सकते हैं, वी अपॉन आई इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट इज आर रेजिस्टेंस। बाद में इसको हम ऐसा ले सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो सर्किट में करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पर, एक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो सेल बैटरी क्या लगा है, कितना बड़ा लगा है, और दूसरा कितने रेजिस्टेंस है, यानी किन के थ्रू करंट पास होने वाला है, उसका वैल्यू क्या है। तो सर्किट में करंट दो वैल्यू पर डिपेंड करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट रेजिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को आप बढ़ाओगे तो करंट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, सेल से बैटरी कर दिया तो करंट ज्यादा बहेगा, ठीक है, नहीं बैटरी से बड़ा बैटरी कर दिया तो करंट और बड़ा हो जाएगा। रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, अगर आपने सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ा दिए तो करंट क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू भी घट जाएगा। तो कुछ बातें याद रख लीजिए कि सर्किट में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस को, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस को। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को डबल किया तो करंट डबल हो जाएगा, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को हाफ किया तो करंट हाफ हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन दोनों का। वहीं रेजिस्टेंस के साथ अगर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल किया तो करंट हाफ हो जाएगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू को हाफ किया तो करंट डबल हो जाएगा, बराबर। तो ये था ओम्स लॉ, डेफिनेशन याद रखिए, ये पार्ट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।